जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। एंड आज की इस कमाल की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं नवंबर मंथ के अंदर रिलीज होने जा रही काफी बड़ी बड़ी बॉलीवुड हॉलीवुड एंड साउथ इंडियन मूवीज के बारे में। तो ये सारी मूवीज को लेकर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन लिस्ट हमने बना दी है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, काफी सारे लोग इस चैनल पर मुझे नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम है सौरभ एंड मैं वीडियो एडिटर एंड कंटेंट क्रिएटर हूँ ट्यूब टॉक चैनल के लिए। तो देखकर इस चैनल के ऊपर हमारा बहुत बड़े बड़े प्लान है और भी नए नए कंटेंट लाने के लिए। सो अगर आप इन वीडियोज को सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को फ्यूचर के अंदर और भी कंटेंट अच्छा अच्छा इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। सो प्लीज मेक श्योर सपोर्ट करा करो, वीडियोस को लाइक करा करो, कमेंट करा करो, शेयर भी कर दिया करो। चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं और इस लिस्ट को शुरू करता हूं। सो बात करें लिस्ट की सबसे पहली मूवी के बारे में, तो वो होने वाली है नरकासुरा, जो की एक अपकमिंग एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी होने जा रही है। जिस मूवी को डायरेक्ट करा है सेबेस्टियन नोआ ने। एंड इस मूवी के लीड के अंदर दिखने जा रहे हैं रक्षित अतुलरी एंड अपर्णा जनार्दन एंड और भी काफी बेहतरीन एक्टर आप लोगों इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में बात करूं तो इस मूवी के अंदर हमें शिवजी के नरका असुरा अवतार की कहानी देखने को मिलेगी कि क्यों उस अवतार को कलयुग के अंदर आना पड़ रहा है, क्या कुछ चीजें हो रही है इस गांव के अंदर, ये सब आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंटारा मूवी की तरह लग सकता है। सो अगर आप लोगों को कंटारा मूवी पसंद आई थी तो आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी पसंद आएगी। सो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ये मूवी 3 नवंबर 2023 को इंडियन थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी हिंदी तमिल तेलुगु और कन्नड़ा भाषा के अंदर। बात करें लिस्ट की अगली मूवी की, तो वो होने वाली है आंख मिचोली, जो कि अपकमिंग कॉमेडी फैमिली ड्रामा मूवी होने जा रही है। जिस मूवी को डायरेक्ट करा है उमेश शुक्ला ने। एंड आप लोगों को इस मूवी के लीड के अंदर दिखने जा रहे हैं परेश रावल, शर्मन जोशी, अभिमन्यु देसाई, मृणाल ठाकुर जैसे काफी बड़े बड़े एक्टर्स। एंड इस मूवी की स्टार कास्ट और भी काफी ज्यादा लंबी है। एंड इस मूवी की तरफ कहानी दिखाई जाने वाली है पारू की, जिसको की 6 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है एंड कैसे होगी उसकी शादी, ये सब आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग भी मृणाल ठाकुर के फैन है एंड कॉमेडी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे 3 नवंबर 2023 को इंडियन थिएटर्स में। चलिए बात कर लेते हैं लिस्ट की अगली मूवी के बारे में, जो कि होने वाली है हुकस बुकस, जो कि एक अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी होने जा रही है। जिस मूवी को डायरेक्ट करा है विनय भारद्वाज ने। एंड इस मूवी के हमें लीड के अंदर दिखने जा रहे हैं दर्शिल साफरी एंड अरुण गोविल। अरुण गोविल वही है जो हमें पहले जो है राम जी के किरदार के अंदर देखने को मिला करते थे। एंड इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाने वाली है कश्मीर में रह रहे एक कश्मीरी पंडित की, जिसके की बेटे को जो है क्रिकेट खेलना है। अब उसे किसकी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कैसे अपने पापा को मनाता है, अपने पापा के खिलाफ जाकर वो खेलता है, ये सब आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ये मूवी 3 नवंबर 2023 को इंडियन थिएटर्स में हिंदी लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएगी। बात करें लिस्ट की अगली मूवी के बारे में, तो वो होने वाली है द मार्वल्स, जो की एक अपकमिंग एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी होने जा रही है। जिस मूवी को डायरेक्ट करा है निया डी कोस्टा ने। एंड आप लोगों को इस मूवी के लीड के अंदर दिखने जा रही है ब्री लार्सन, सैमुअल एल जैक्सन, ज़ोवी ऑस्टिन, आमिर विलानी जैसे काफी बड़े बड़े एक्टर्स। एंड इस मूवी में कहानी दिखाई जाने वाली है कैप्टन मार्वल की, जिसकी की पावर एक्सचेंज हो गई है मिस मार्वल के साथ। तो क्या होगा आगे इस कहानी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कैसे अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे एंड कैसे एक और नया जो विलन आ रहा है दुनिया को खत्म करने के लिए उससे बच पाएंगे, ये सब आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखना होगा। सो ये कंप्लीट एक्शन एडवेंचर मूवी होने जा रही है, जिसको की 10 नवंबर 2023 को इंडियन थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेज के अंदर। बात करें लिस्ट की अगली मूवी की, तो वो होने वाली है जिगर थंडर डबल एक्स, जो कि एक अपकमिंग एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी होने जा रही है। जिस मूवी को डायरेक्ट करा है कार्तिक सुबाराज ने। एंड इस मूवी के हमें लीड के दिखने वाले हैं एच जे सूर्या, राघव लॉरेंस जैसे काफी बेहतरीन एक्टर्स। सो अगर आप लोगों को जिगर थंडा का नहीं पता तो आप लोगों ने बच्चन पांडे जरूर से अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी। सो ओरिजिनली वो उसी मूवी का रीमेक है, यानी कि जिगर थंडा जो ओरिजिनल मूवी थी ये उसका एक सीक्वल होने जा रहा है, जिसके अंदर की हमें एक और गैंगस्टर की कहानी, यानी कि इस मूवी के अंदर हमें एक और गैंगस्टर की कहानी जिसका की रोल निभाने वाले हैं राघव लॉरेंस, उनकी दिखाई जाएगी कहानी की कैसे राघव लॉरेंस के करेक्टर के पीछे एस जे सूर्या का करेक्टर पड़ा हुआ है एंड एंड में वो क्या करता है, ये सब आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। सो ये फुल टू कॉमेडी एक्शन मूवी होगी, जो की आप लोगों को 12 नवंबर 2023 को इंडियन थिएटर्स में तमिल लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं नवंबर मंथ की सबसे ज्यादा मोस्ट वेटेड मूवी के बारे में, जो कि होने वाली है टाइगर 3, जो कि एक अपकमिंग एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी होने जा रही है। जिस मूवी को डायरेक्ट करा है मनीष शर्मा ने। एंड इस मूवी के हमें लीड के अंदर दिखने जा रहे हैं सलमान खान, कैटरीना कैफ एंड इमरान हाशमी। एंड कैमियो देते हुए दिखने वाले हैं अपने पठान, यानी कि अपने शाहरुख खान। और इस मूवी का जो है बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज इस मूवी के अंदर हमें भर कर एक्शन देखने को मिलने वाला है एंड कैसे भिड़ेगा हमारा करेक्टर, यानी कि हमारा टाइगर कैसे भिड़ेगा पूरी गवर्नमेंट से, ये सब आप लोग को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। सो इस मूवी को रिलीज किया जाना है 12 नवंबर 2023 को
हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेज के अंदर। सो अगर आप लोग एक्साइटेड है टाइगर 3 के लिए तो कमेंट ऑन कर जरूर बताएं। बात करें इसके अगली मूवी की तो वो होने वाली है खिचड़ी 2, जो कि एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा मूवी होने जा रही है, जिस मूवी को डायरेक्ट करा आतिश कपाड़िया ने। एंड ये मूवी सीक्वल होने जा रही है खिचड़ी मूवी का, जो कि 2010 में आई थी। एंड इस मूवी स्टार कास्ट के बारे में बात करूं तो इस मूवी के अंदर में प्रतीक गांधी, फराह खान, सुप्रिया पाठक, आनंद विदार, ऐसे और भी काफी बड़े बड़े एक्टर्स मूवी के अंदर देखने को मिलने जा रहे हैं। एंड ये भी एक फुल टू कॉमेडी मूवी होने जा रही है, जैसे कि पहले खिचड़ी मूवी थी जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। उसी प्रकार से इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को भर भर कर कॉमेडी देखने को मिलेगी। सो अगर आप लोगों ने पहली मूवी खिचड़ी देखी हुई है, सो आप लोगों को ये मूवी जरूर से पसंद आएगी। एंड बात करो इसकी मूवी की रिलीज डेट की, तो ये मूवी आप लोगों को 17 नवंबर 2023 को इंडियन थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं लिस्ट की अगली मूवी के बारे में, जो की वाली है ध्रुवा नक्षत्रम पार्ट 1, जो कि एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी होने जा रही है, जिस मूवी को डायरेक्ट करा है गौतम वासुदेव मेनन ने। एंड बात करूं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, सो इस मूवी के अंदर हमें लीड के अंदर दिखने जा रहे हैं चियान विक्रम, ऋतु वर्मा। ओरिजिनली इस मूवी को बहुत टाइम पहले रिलीज कर दिया जाना था, बट ये मूवी काफी बार डिले हुई। एंड फाइनली इस एक्शन थ्रिलर मूवी को आप लोगों को देखने को मौका मिल पाएगा 24 नवंबर 2023 को। सो अगर आप लोग चियान विक्रम के फैन हैं, आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड थे, तो हमें कमेंट डाउन कर जरूर बताएं। बात करें लिस्ट के अगली मूवी के बारे में, तो वो होने वाली है नेपोलियन, जो कि एक अपकमिंग एक्शन एडवेंचर बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा मूवी होने जा रही है, जिस मूवी को डायरेक्ट करा है रिडली स्कॉट ने। एंड इस मूवी अभी लीडिंग दिखने जा रही है विनेसा कर्बी के साथ जैकविन फिनिक्स। एंड इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाने वाली है नेपोलियन की, यानी कि फ्रांस का वो एम्परर, जिसने कि फ्रांस के ऊपर रूल तो किया गया और कैसे बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में लिया। एक बहुत ही रूथलेस एम्परर की कहानी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी, कैसे अपनी उसने पूरी जिंदगी के अंदर कौन कौन सी जगह पर कब्जे करे एंड क्या क्या चीजों का सामना उसे अपनी जिंदगी के अंदर करना पड़ा, कुछ नहीं से कैसे उसके सब कुछ बनने की कहानी आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। एंड इस मूवी को 22 नवंबर 2023 को हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंडियन थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। बात करो लिस्ट की अगली मूवी की, तो वो होने वाली है अपूर्वा, जो की अपकमिंग ड्रामा थ्रिलर मूवी होने जा रही है, जिस मूवी को डायरेक्ट करा है निखिल नगेश भट्ट ने। एंड इस मूवी का मैं डिटेल देखने जा रही है तारा सुतारिया, अभिषेक बैनर्जी जी, राजपाल यादव जैसे काफी बेहतरीन एक्टर है। एंड इस मूवी के अंदर एक कहानी दिखाई जाएगी अपूर्वा नाम की लड़की की, जिसको कि आगरा के रास्ते में जा रहे होते कुछ जो है गैंगस्टर किडनैप कर लेते हैं, कैसे उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, तो कैसे वो गैंगस्टर से बच पाती है, अपनी जान को बचा पाती है या फिर नहीं, ये सब आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। इस मूवी का हाल ही में जो ट्रेलर लॉन्च किया गया, उसमें हमें भर भर कर थ्रिलर और एक्शन देखने को मिलने जा रहे हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो अगर आप लोग ऐसी थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो आप लोगों ये मूवी 15 नवंबर 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी मूवी के बारे में, जो कि होने वाली है UT69, जो कि एक अपकमिंग जो है कॉमेडी बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी होने जा रही है, जिस मूवी के भी लीडिंग देखने जा रहे हैं राजकुंद्रा। एंड अगर आप लोग राजकुंद्रा के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये है शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, जो कि 2 साल पहले जो है जेल के अंदर हो गए थे कुछ पॉर्न मूवीज बनाने की वजह से। सो उन्हीं ने जो है अपनी लाइफ के ऊपर, यानी कि अपने जेल के एक्सपीरियंस के ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी बना दी है, जिसको कि क्रिटिसाइज करा जा रहा है काफी ज्यादा। बट कुछ लोग जो इस मूवी को देखना चाहते हैं, पता नहीं वो कौन लोग हैं जो देखना चाहते हैं, वो इस मूवी को देख पाएंगे 3 नवंबर 2023 को इंडियन थिएटर्स में। सो लेट गाइस, यहीं पर इस कमाल की वीडियो का अंत होता है। हाँ, हमें पता है कि नवंबर के मंथ में एक टाइगर 3 मूवी को छोड़कर और कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है, बट दिसंबर मंथ के अंदर आप लोगों को जो है बार बर्गर बहुत ही तगड़ी तगड़ी मूवीज देखने को मिलने वाली हैं, जिनके लेकर भी हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी लिस्ट बना देंगे। बट उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को दबाना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए इसमें चलता हूं, फिर लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।